तो बुलेटिन में आगळ વધીને बात करिए भूजनी। तो भूज में खेडूत द्वारा विरोध करवामां आव्यो छे। दुदई ब्रांच केनाल नु काम अधूरू मुकाता खेडूतो में रोष जोवा मळी रह्यो छे। तो रुद्रमाता जागीर विस्तार में खेडूतोए सूत्रोच्चार कर्या। कलेक्टर कचेरी सुधी ट्रेक्टर रेली नु आयोजन करवामां आव्यु छे। तो मोटी संख्या में खेडूतो जोड़ाया। महत्वनुं छे के भूजना रुद्रमाता जागीर विस्तार में ज्यां विरोध करवामां आव्यो दुदई ब्रांच केनाल नुं काम पूर्ण करवा मांग करवामां आवी रही छे। तो त्यां रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं ज्यां मोटी संख्यामां खेडूतो जोड़ाया अने विरोध कर्यो। तो महत्वनुं छे के दुदई ब्रांच केनालनुं काम अधूरू मुकाता खेडूतोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे। तो ब्रांच केनालनुं काम अधूरू छे त्यारे भूजना रुद्रमाता जागीर विस्तारमां विरोध करवामां आवी रह्यो छे। कलेक्टर कचेरी सुधी ट्रेक्टर रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं जेमां मोटी संख्यामां खेडूतो जोड़ाया अने विरोध कर्यो। तो आ मामले वधु विगत साथे भरतसिंह चौहान फोनलाइन पर जोड़ाया छे। जी भरतसिंह, भूज में खेडूतोए विरोध कर्यो छे अने रेलीनुं आयोजन कर्युं हतुं जेमां मोटी संख्यामां खेडूतो जोड़ाया, शुं छे समग्र मामलो? वत्सल, नर्मदा नीरनो जे मुद्दो छे ते कच्छमां खूब ज विकट प्रश्न बनी रह्यो छे। एक तरफ सरकार द्वारा नर्मदानुं नीर कच्छने पहोंचाडवानी जे आयोजन करवामां आव्युं होवानी वात पण बजेट दरमियान करी हती, परंतु जे रीते नर्मदा केनालनुं काम छे तेने लईने खेडूतो अनेकवार विरोध करी रह्या छे, त्यारे वधु एकवार भारतीय किसान संघना नेजा हेठळ खेडूतोए आजरोज भूज नजीक रुद्रमाता जागीर विस्तारमां एक सभानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेने लईने जे दुधई सब केनालनुं जे काम छे तेने बंद करी देवायुं होवाना कारणे आ खेडूतो रोषे भराया छे अने नर्मदा नीरनी जे ઘૂકુર ગતિએ જે કામ ચાલી રહ્યું છે તેને લઈને હાલ ખેડૂતો આકરા પાણીએ છે। હાલ તો રુદ્રમાતા નજીક જે વિસ્તારમાં સભા યોજાઈ છે ત્યાંથી તે તમામ ખેડૂતો, મહિલાઓ હોય, પુરુષો હોય, વૃદ્ધો હોય, તમામ જે ખેડૂતો છે તે ટ્રેક્ટર રેલી યોજી કચ્છ કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પાઠવીને પોતાનો રોષ છે તે વ્યક્ત કરશે। આગામી સમયમાં આ જે લડત છે તે ઉગ્ર બને તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે જે બેઠકો થઈ હતી તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા નિષ્ફળ થતી હોય તેવું હાલના ચિત્રો પરથી લાગી રહ્યું છે। જી જી ભરત, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર।